गुड मॉर्गन, गुड टाक, गुड नाबिन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप वीडियोस देख रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लाइक्स मिल रहे हैं आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपकी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज जो टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, उस टॉपिक का नाम है केसेस पढ़ेंगे हम लोग। हैं उससे पहले थोड़ा सा हमें नाउन को डिस्कवर करना पड़ेगा, नाउन को समझना पड़ेगा। नाउन को हम, नाउन एक सब्जेक्ट भी हो सकती है और नाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है? तो नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट और नाउन कैन बी ए ऑब्जेक्ट। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, राइट? हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा आपकी सब्जेक्ट भी हो सकती है, उसको आप कर्ता भी बोल सकते हो और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? हिंदी में उसको कर्म बोला जाता है, ठीक है? तो यहां पे मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा कि नाउन को का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है? तो यहां पे हम लोग एक बार देखते हैं। तो नाउन को मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं, देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जर्मन में हम जूबियक भी बोल सकते हैं और जर्मन में इसको ऑब्जेक्ट को हम ओबीएक्ट भी बोल सकते हैं। जूबियक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो सब्जेक्ट को ही हम नोमिनेटिव भी बोलते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो नोमिनेटिव, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग नोमिनेटिव बोलते हैं जर्मन में। ऑब्जेक्ट आपका तीन तरह से क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला है आपका अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव। सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका डेटिव और थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका गिनेटिव, ठीक है? सब्जेक्ट नाउन को हमने क्लासिफाइड किया सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव कहलाता है। ऑब्जेक्ट तीन तरह का हो सकता है आपका, अक्यूजेटिव, डेटिव और गिनेटिव, क्लियर? तो केसेस की बात होती है कि जर्मन में केसेस कितने हैं। तो जर्मन में हम बोल सकते हैं चार केस होते हैं आपके, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव एंड गिनेटिव, राइट? तो जो केस है उसको हम बोलते हैं फाल। जर्मन में केस को बोला जाता है देयर फाल। देयर फाल का मतलब हो गया द केस। केस क्या हो गया आपका? देयर फाल। देयर फाल का मीन मतलब हो गया आपका द केस। तो इसका प्लूरल बन जाएगा डी फैल, डी फैल। देखो प्लूरल, जब हम, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी देयर, डी और दास की, यानी कि देयर फॉर मस्कुलिन, डी फॉर फेमिनिन और दास फॉर नॉइट्रम, ये बात करी थी हमने। इनका प्लूरल, इन तीनों का प्लूरल, चाहे मस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो या चाहे नॉइट्रल हो, इन सब का प्लूरल डी ही होता है। तो यहां पे देयर का प्लूरल क्या हो गया? डी। अगर फेमिनिन होता तो भी उसका प्लूरल डी होता और नॉइट्रम का प्लूरल भी डी ही होता। तो यहां पे देयर, देयर का प्लूरल क्या हो गया? डी। और उस नाउन को हमने प्लूरल में चेंज कर दिया, क्या हो गया? डी फैले। डी फैले का मतलब हो गया द केसेस, द केसेस, क्लियर? तो अब जर्मन में कितने केसेस है हमारे पास? नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव एंड गिनेटिव, राइट? तो चार केसेस हो गए। तो कितने केसेस हो गए? फियर फैले हम बोल सकते हैं। कितने केसेस होते हैं? फोर केसेस, मींस फियर फैले, फोर केसेस, क्लियर? तो अब हम एक एक करके सारे केसेस को सीखेंगे कि ये केसेस कैसे काम करते हैं। तो पहला केस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, देयर